हेलो फ्रेंड्स, आज मैं उस गिटार सोलो की टेप्स डालने वाला हूँ, डाल रहा हूँ इस वीडियो में, कि जो कि लगभग सभी का मन पसंदीदा सॉन्ग है, सभी का फेवरेट सॉन्ग है, मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। और जो जो लोग भी गिटार बजाते हैं, जो लोग नहीं भी बजाते हैं, जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं, ओल्ड सॉन्ग्स हो या न्यू सॉन्ग्स हो, जो भी सुनते हैं, लगभग सभी को ये पता है कि ये सॉन्ग कौन सा है। और जब भी हम किसी भी शो में या कहीं भी फ्रेंड्स की पार्टी हो या घर पर या कहीं भी, अगर ये सॉन्ग की जरा सी भी धुन, अगर थोड़ी सी भी धुन को छेड़ देते हैं तो आनंद आ जाता है। जो लोग सुनते हैं उन्हें भी और हमें भी बजाते हुए, ठीक है। तो क्योंकि ये सॉन्ग की सिर्फ अधिकतर लोग, हम लोगों को क्या लगता है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि यार सिर्फ इसमें कुछ नोट्स ही बजाएं और वो मेन जो टाइटल सॉन्ग की जो थीम है बस वही बजानी है। लेकिन इस सॉन्ग के बीच में जिन्होंने इस सोलो को कंपोज किया है, उन्होंने इस सॉन्ग के बीच में एक सोलो भी डाला था, तो मैंने कहीं से उस सोलो को सुनकर निकाला था। तो मैंने उसका कवर का वीडियो डाला था, एक हसीना थी गिटार कवर, तो उस पर अभी आज की तारीख में 60,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं आप लोगों की हेल्प से और आप लोगों के सपोर्ट से। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं कोई लेसन डालता हूँ और उसमें आप कमेंट करते हैं कि सर हमको टैप्स भी चाहिए, मतलब मुझे ये देखकर अच्छा लगता है उन कमेंट्स को कि आप लोग भी सीखने में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो आइए, इस सोलो को पहले मैं एक बार पूरा प्ले करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ टुकड़ों टुकड़ों में उस सोलो को सीखेंगे, ताकि सीखने में भी आसानी होगी, बजाने में भी आसानी होगी और आपके दिमाग में भी जल्दी ये सारी चीज़ें बैठ जाएगी, ठीक है, और ऊपर टैप चलती रहेगी। आइए एक बार हम इस सोलो को बजाकर देख लेते हैं, पूरा सोलो किस तरह से बजा हुआ है। ये मेन धुन है इसकी, तो अब हम इस सोलो को, अभी तक आपने ये सोलो सुन ही लिया होगा और वैसे आपने कवर वीडियो में भी देखा होगा, और उसके ठीक तुरंत बाद मैंने कुछ मंथ्स या एक दो साल में उस वीडियो की कमेंट में बहुत से लोगों की कमेंट्स थी फ्रेंड्स की कि सर लेसन चाहिए, तो मैंने बहुत स्लो मोशन में उस लेसन उसमें भी पूरा डिस्क्राइब करके मैंने प्ले किया है, बताया है आप लोगों को। लेकिन उसमें भी आप लोगों की कमेंट्स आई कि सर हम लोगों को तो टैप्स ही चाहिए, तो फिर मैं आप लोगों के लिए टैप्स के साथ ये दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ टाइम निकाल कर। तो आइए अब हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में सीखते हैं। सबसे पहला भाग क्या था, ये था, तो अब इस पार्ट को स्लो बजा रहा हूं मैं और ऊपर टैप्स आ जाएगी अभी। ये पार्ट हो गया पूरा, अब नेक्स्ट पार्ट, ये भी क्लियर है। अब इसके बाद एक और, अब ये वाला है, इसको 10 टाइम स्ट्रोक करना है। अब ये एंडिंग के नोट्स हैं, हाँ।
स्ट्रोक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो स्पीड से होगा। फिर तुरंत हमको ये वाले स्ट्रिंग पे पहुंचना होगा, सेकंड स्ट्रिंग पे, और तुरंत ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा और थोड़ा सा इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, और प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बजा पाएंगे आप, और आपको बहुत आनंद आएगा इसको बजाने के बाद, और आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। जब ये पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना प्रैक्टिस करके, तो आप इस सोलो को लगभग हर शो में प्ले करेंगे, और मेरे हिसाब से तो जब भी आपके हाथ में गिटार होगा तो एक ना एक बार तो इस सोलो को प्ले, फिर से हम इस सोलो को प्ले करके देखेंगे। और आशा करता हूँ कि अभी तक आप सभी लोग जब ये मेरा वीडियो देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ हमेशा और अब बोलता भी हूँ कि आप लोग सभी लोग अपना अपना गिटार लेकर बैठे साथ में, ताकि ये वीडियो को देखते हुए आप ऐसे ही खाली ना देखें जैसे जैसे, क्योंकि मैं स्लो में प्ले करता हूँ और फिर टैब्स भी बताता हूँ, तो उसमें आपको सीखने में और देखने में भी आसानी होगी, और देखते भी जाइए वीडियो और टैब्स भी देखते जाइए और खुद भी बजाते जाइए, फिर वीडियो को पॉज किया फिर प्ले किया फिर आगे बढ़े, ऐसे करते जाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। एक बार में आप पूरा वीडियो देख लोगे, आपको पूरी टिप्स और टैब्स वगैरह सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, कहाँ पे मैंने क्या क्या बताया है, और उसके अनुसार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एंडिंग में जहाँ तक अभी मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अभी एक बार और हम प्ले करके देखते तो इतनी स्पीड में आप आसानी से बजा पाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो। थैंक यू फ्रेंड्स, और इस वीडियो में मैंने आपको ये इस सोलो की पूरी टैप्स बताई, और कुछ कुछ पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में सारी टैप्स के साथ में आपको स्लो मोशन में भी प्ले करके बता दिया है। अब तो आसानी से आप सीख चुके होंगे इस वीडियो को, लेकिन फिर भी समझ में कुछ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट लेसन कौन सा डालने वाला हूँ और कब डालने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको मेरे वीडियोज़ देख कर सीखना अच्छा लगता है, या फिर आपको मेरे किसी भी वीडियोस को देखकर बहुत अच्छा लगता है, आपने मेरे किसी वीडियो को देखा है, तो आप मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं इसी तरह जब भी फ्री रहूँगा तो नेक्स्ट लेसन के साथ हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छा प्ले करिए, अच्छी प्रैक्टिस करिए। और वैसे तो मैंने बहुत से सॉन्ग्स की टैप्स अभी डाल चुका हूँ, और उन टैप्स, तब तक के लिए आप उन टैप्स को देखकर भी सीख सकते हैं। अगर आपका कोई मन पसंदीदा सॉन्ग का टैप मैंने बताया हुआ है, जैसा जिस तरह से इस सॉन्ग का मैंने डाल दिया है, ये सॉन्ग तो सभी का फेवरेट है, तो अगर गिटार बजाता है कोई भी बंदा है या कोई भी व्यक्ति, तो ये सॉन्ग तो उसको प्ले करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए हो या ना हो, लेकिन उसके मम्मी पापा के लिए तो होता ही है, उसके पापा या उसकी मम्मी तो बोलते ही हैं, घर वाले तो बोलते हैं कि बेटा वो वाला गाना बजा कर बताओ। तो मैं चाहता हूँ कि वो गाने का वो थीम तो, ये तो पता ही है आपको, ये तो हम सब बजा लेते हैं और निकाल के, लेकिन ये जो इसका मेन जो बीच का पार्ट है वो मतलब हम लोगों के दिमाग में एकदम से नहीं आता ना कि यार बीच में भी कुछ बजाया होगा, हम लोग मन से कुछ भी मॉडिफाइड करके, मतलब कुछ भी मन से प्ले कर लेते हैं, लेकिन जो बजा हुआ है हम लोग एक्चुअल में वो बजाएंगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है। तो जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन के साथ में, और हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो कवर भी हो सकता है। तब तक के लिए आप ट्यून्ड रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच। अगर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं, सॉन्ग को सुनते हैं, और कई बार आप लोग ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो खुद गिटार नहीं बजाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को मेरी सोलो प्लेइंग अच्छी लगती है जो भी मैं कवर्स डालता हूँ सॉन्ग्स के। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और थैंक यू सो मच, मैं इसी तरह से